हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। चैप्टर चल रहा है पॉजिटिव हेल्थ और मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए इसके बारे में। इस समय मेरा जो इसमें जो हेडिंग है वो है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, कि सकारात्मक स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कैसे किया जाए। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको करा दिया था पूरा। फर्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ आई थी कि यदि आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, यदि आप दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, तो बीमारी जो आपकी सही होगी वो हो या ना हो, लेकिन दूसरी बीमारी आपकी बॉडी में ज़रूर क्रिएट हो जाएगी यदि आप अनावश्यक रूप से दवाइयाँ ज़्यादा लोगे। तो आगे चल रहे हैं, जानवरों का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। इन नेचर, प्रकृति की बात करें, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स। जो जानवर होते हैं आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित नहीं होते हैं बाय मीडिया कैंपेन्स। जो जनसंचार के जो माध्यम हैं, जनसंचार के जो अभियान हैं, उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है जानवर किसी, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जानवर जो होते हैं वो जो प्रचार प्रसार की जो सामग्री होती है, मतलब जो प्रचार प्रसार में जो ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं जानवर, उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए ही राइटर ने कहा है कि हम लोग क्या है कि जब हमें कोई चीज़ नज़र आती है, सामने दिखती है कि ये दवाई ज़्यादा अच्छी चल रही है, वो ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो हम क्या है उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जबकि जानवर, जो जनसंचार के जो माध्यम है, जानवर उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। एंड दे ट्रस्ट, बस इसीलिए ये लाइन लिखी गई है जिससे कि हम समझ सकें कुछ। दे ट्रस्ट, जानवर होते हैं वो भरोसा करते हैं किसमें, देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, जो उनका खुद का जो सहज ज्ञान होता है, जो सहज प्रवृत्ति होती है उनकी, वो उसमें ज़्यादा भरोसा करते हैं। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल, प्रकृति ने प्रदान किया है ईच एनिमल, प्रत्येक जानवर को, द पावर, एक ऐसी शक्ति प्रदान की है टू मॉनिटर, कि वो अपनी खुद देखभाल कर सकें, इट्स ओन बॉडी, खास करके अपने शरीर की खुद देखभाल कर सकें, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और साधारण स्वास्थ्य को पूरी तरीके से वो मेंटेन कर सकें, उसका रखरखाव कर सकें। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए देखते हैं अपन क्या उदाहरण दिया है उन्होंने, कि सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, जो नमक होता है, सॉल्ट जो होता है वो एक आवश्यक, एक तत्व है रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता पड़ती है बाई ऑल एनिमल्स, जिसकी सभी जानवरों को आवश्यकता पड़ती है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, लाइक राइनोसरस, जैसे गेंडा होता है, एलिफेंट्स, हाथी होते हैं, और डियर, या फिर वो हिरण हो, ट्राई टू फाइंड द प्लेस, वो एक ऐसे स्थान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जो जहाँ पर मिट्टी में नमक की उपस्थिति हो, ऐसे स्थान को वो, ऐसे स्थान पर रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे स्थान को वो क्या करते हैं, ऐसे स्थान को तलाश करने की कोशिश करते हैं। दे रेगुलरली लिक द सॉइल, वो निरंतर रूप से चाटते हैं, लिक माने चाटना, निरंतर रूप से चाटते हैं द सॉइल, मिट्टी को चाटते हैं, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड, किसको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए द एग्जैक्ट अमाउंट, सही मात्रा प्राप्त करने के लिए ऑफ सॉल्ट, किसकी, नमक की सही मात्रा प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, वो लगातार मिट्टी को चाटते हैं, देयर बॉडीज नीड, जो उनके शरीर के लिए आवश्यक होता है, इसलिए वो नमक की पूर्ति करने के लिए लगातार मिट्टी को चाटते रहते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वे खाते हैं, ये जानवरों के लिए आ रहा है, ये जानवर खाते हैं, कितना खाते हैं, ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही मात्रा में ऑफ फूड, उतनी ही भोजन की मात्रा लेते हैं, एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, इसी वजह से वो कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। ओबेसिटी, OBESITY, ओबेसिटी माने होता है मोटापा, मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। एज वी ह्यूमंस ऑफन डू, जैसे कि हम इंसान आमतौर पर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था, हम लोगों की थोड़ा सा अलग तरीके की सोच है, बहुत से लोग बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते, वो उनको फास्ट फूड भी चाहिए, जंक फूड भी चाहिए, और अनावश्यक रूप से खाते चले जाते हैं, बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और ट्रेंड है हमारे कुछ लोगों की सोच है कि जब सुबह निकलते हैं तो खाली पेट चले जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके नहीं जाते और भूखे रहते हैं, और उसके बाद जब शाम होती है, रात का जो खाना होता है
उसको इतना ज़्यादा खा लेते हैं और खा के तुरंत टीवी देखेंगे और टीवी देखते देखते सो जाते हैं। तो वो रात में जो खाना पेट के अंदर रहता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही फैट में कन्वर्ट होता है तो बॉडी पर पेट का निकलना, चर्बी चढ़ना, ये और जब ये लगातार प्रोसेस चलता है तो इंसान कई बीमारियों से सफ़र हो जाता है, कई बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। तो कहने का मतलब है जब आप मॉर्निंग में निकलें तो नाश्ता जो आपका ब्रेकफास्ट है वो हैवी करके निकलें, जितना ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत हमें उसी समय रहती है जब हम मॉर्निंग में निकलते हैं अपने काम के लिए, बच्चे पढ़ाई के लिए निकलते हैं, तो उनको उस समय कुछ खा के निकलना चाहिए और अपना लंच साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि शाम को हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। शाम को हमें लाइट, जो भी हमारी डाइट है वो लाइट रहनी चाहिए, दलिया खाएँ, खिचड़ी खाएँ, ठीक है ना, और मतलब हल्की चीज़ लें जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर, बॉडी जो लिवर और जो हमारा जो अंदर की जो आंत वगैरह इंस्टेंट टाइम वगैरह हैं उनको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़े। तो इस तरीके के लिए जो सोच डेवलप करने के लिए राइटर ने ये लाइंस आप लोगों के लिए लिखी हैं, जिससे कि आप भी समझें और आगे इसको समझाएं सभी को कि किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को खुद मेंटेन करना चाहिए। तो ओबेसिटी यानी मोटापा, जानवर नहीं होते कभी मोटापे का शिकार नहीं होते, देखा होगा आपने, एज दी ह्यूमंस ऑफन डू, जैसा कि हम इंसान लोग अधिकतर हो जाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स, वो लगातार मॉनिटर करते रहते हैं देयर बॉडी नीड, अपनी शरीर की जो आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं होती हैं उनको वो लगातार उनको मॉनिटर करते रहते हैं, लगातार उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं बाई इंस्टिंक्ट, अपने सहज ज्ञान से, अपनी सहज प्रवृत्ति से। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और ज़्यादा नहीं खाते हैं, ईट नो मोर, ज़्यादा नहीं खाते देन इज रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता होती है उतना खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स, जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं, कार्निवोरस नोट कर लीजिए, मांसाहारी जानवर, ऑल कार्निवरस एनिमल्स जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं ईट ग्रास, वो घास खाते हैं। वेन एवर दे हैव डायरिया, जब कभी भी उनके अतिसार हो जाता है या दस्त हो जाते हैं या पेट खराब हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो घास खाते हैं। और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स या उनके दूसरी पेट संबंधी कोई बीमारियां हो जाएं तो वो घास खाना शुरू कर देते हैं ड्यू टू इंडाइजेशन, क्योंकि उनका जो पाचन है वो खराब हो जाता है, इसलिए वो घास खाना शुरू कर देते हैं। सोचिए ज़रा, सोचिए आप ध्यान से, मांसाहारी जानवर हैं, मांसाहारी कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो मांस खा रहे हैं, वो अचानक घास खाना शुरू कर देते हैं। घास तो कौन खाता है, घास तो गाय खाती है, जो हिरन वगैरह वो खाते हैं। अब सोचिए मांसाहारी जानवर इसको खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो घास खा रहे हैं, घास खाने के बाद क्या होता है, पेट में जाएगी वो तो उनको क्या उल्टी होना शुरू हो जाता है, तो पेट की गंदगी बाहर चली जाती है, निकल जाती है और वो सही हो जाते हैं। और उनकी जो अपच की प्रॉब्लम है, देखिए जानवरों के लिए कोई दवाई तो है नहीं, मेडिसिन तो कोई देता नहीं उनको जंगलों में, वो खुद अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बस यही हमसे वो बताने की कोशिश कर रहा राइटर कि आपको अपनी बॉडी की, देखिए हर इंसान अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा अच्छा जानता है, डॉक्टर्स इतना नहीं जान पाएंगे जितना कि खुद इंसान अपनी बॉडी के बारे में जानता है, इसलिए इंसान को अपनी बॉडी के बारे में जानते हुए उसी हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहिए जैसे कि जंगलों में रहने वाले जानवर अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, किससे, बाय इंस्टिंक्ट, सहज ज्ञान से, सहज प्रवृत्ति से, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, इंडाइज एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन, और वो क्या करते हैं, दे नॉर्मली और वो साधारण रूप से मैनेज सफल हो जाते हैं टू मेंटेन, बनाए रखने में गुड फिजिकल हेल्थ, अपने अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में वे जानवर सफल हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला ईटिंग बिहेवियर, एक और नई चीज़ आएगी आपके सामने जिसको आप ज़रूर अपने पढ़ने के बाद अपनी इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखें और उसी के हिसाब से आप सभी को एडवाइस दें और ख़ुद भी अपनी बॉडी को मेंटेन करें। ज़रूर सलाह दें जहाँ भी आपको लगे इस तरीके से गलत हो रहा है तो चैप्टर पढ़ने का क्या मतलब रहा, यदि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आप फिर सही सलाह सभी को दें जिससे कि सभी को जानकारी प्रॉपर हो सके। तो ईटिंग बिहेवियर क्या कहता है, ध्यान से सुनना जरा, वी ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर अवर ओन बॉडीज, वी ह्यूमन बींग्स, हम इंसान लोग जो है सीम, ऐसा प्रतीत हो रहा है, टू हैव लॉस्ट कि हम खो चुके हैं द एबिलिटी, हम एक अपनी योग्यता को खो बैठे हैं टू मॉनिटर, देखभाल करने की योग्यता को खो बैठे हैं अवर ओन बॉडीज,
हमारे खुद के शरीरों को देखभाल करने की योग्यता को हम खो बैठे हैं, हम इंसान लोग खो बैठे हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, किस संदर्भ में? टू मेंटेन हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में हम इंसान लोग ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपनी योग्यता को ख़त्म कर लिया है, हम अपनी योग्यता को भूल गए हैं। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, वी रिफ्यूज़, हम मना कर देते हैं टू अंडरस्टैंड, हम समझने से इनकार कर देते हैं, हम समझने से मना कर देते हैं अवर ओन बॉडी सिग्नल्स, जो हमारे खुद के शरीर के जो सिग्नल्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, उन संकेतों को हम जानने से मना कर देते हैं। एंड टेंड, और हम क्या करते हैं, सिग्नल्स एंड टेंड, और हमारी इच्छा क्या रहती है, एंड टेंड, और हमारी इच्छा ये रहती है कि हम उनको नहीं समझें। एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, और हमारी यही इच्छा रहती है, हम खुद नहीं समझते अपने शरीर के बारे में, और हमारी यही इच्छा बनी रहती है इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, कि इसकी बजाय हम किसकी सलाह को माने, द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, हम डॉक्टर्स की सलाह को माने और द मीडिया, और जो मीडिया है उसकी जो उनका जो नियम कानून होते हैं, उनकी जो एडवाइस होती है, उनका जो सलाह मशवरा होता है, उसको मानने के लिए हम हमेशा तैयार बने रहते हैं, हम खुद समझने की कोशिश नहीं करते हैं। समटाइम्स ओवर जीलस पेरेंट्स, कभी कभार क्या होता है, ओवर जीलस पेरेंट्स, ओवर जीलस अति उत्साही, ओवर जीलस अति उत्साही, कभी कभार अति उत्साही जो माता पिता होते हैं, फोर्स इन्फेंट्स, वो अपने शिशु को फोर्स इन्फेंट्स, जो शिशु होते हैं उनको, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, और छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, वो टू फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट, उनको खाने के लिए कहते हैं, बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, उनको ये लगता है जैसे कि इस समय उनको खिलाने का वक्त है, इसलिए वो उनको खाने के लिए कहते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उनको बातें करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लें इसको, समझें और दूसरों को ज़रूर समझाएं, ठीक है ना, और अपनी रूटीन लाइफ में भी इसका विशेष ध्यान रखें। तो समटाइम्स ओवर जीलस पेरेंट्स, रिपीट कर रहा हूँ, कभी कभार अति उत्साही जो माता पिता होते हैं, फोर्स इन्फेंट्स, वो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं और मासूम जो शिशु होते हैं छोटे, उनको क्या करते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट, उनको खिलाते हैं, बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि किसका टाइम होता है, किसका टाइम हो जाता है, क्योंकि उनको खिलाने का वक्त होता है, वो ये सोचकर उनको खिलाते हैं। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं खिलाते कि वो भूखे हैं, वो ये नहीं देखते कि वो भूखे हैं या नहीं है, वो ये देखते हैं कि अभी इनको खिलाने का वक्त है तो इनको खिलाओ, भले ही इनको भूख लगे चाहे नहीं लगे, वो टाइम देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चे को भूख लग रही है या नहीं लग रही है, वो केवल इसलिए खिलाते हैं कि वो बच्चों का खाने का टाइम है, खाने का वक्त है। और चिल्ड्रन में भी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लाइन, चिल्ड्रन में भी फेड, बच्चों को इसलिए भी खिलाया जाता है, मोर ज़्यादा खिलाया जाता है देन देयर बॉडीज डिमांड, जितने कि उनको शरीर जितना मांगता है उससे भी ज़्यादा उनको खिला दिया जाता है। डिमांड और नीड, जितनी आवश्यकता होती है, जितनी डिमांड होती है उससे भी ज़्यादा बच्चों को खिला दिया जाता है। बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स, क्योंकि कुछ किताबों में ये लिखा रहता है हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्ड, कि एक बच्चे को कितना खाना खिलाना चाहिए, कितना भोजन उसको देना चाहिए, ये किताबों में लिखा रहता है, और उन किताबों को पढ़कर पेरेंट्स उसी मात्रा में अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी कहा था पेरेंट्स ओवर जीलस, बहुत ही अति उत्साही होते हैं, हम ये खिलाएंगे, हम वो खिलाएंगे, तो वो ये नहीं देखते कि भूख लगी या नहीं लगी बच्चे को, वो किताबों को फॉलो करते हैं। एक मान लो किसी कोई बुक है, उसमें लिखा हुआ है एज ग्रुप इतना इतना खिलाना है, एज ग्रुप इतना इतना खिलाना है, तो पेरेंट्स उसको पढ़ने के बाद क्या होता है, उसको पढ़ने के बाद जो उसमें दिया हुआ होता है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और क्या करते हैं कि हाँ भाई एज ग्रुप इतना इतना खिला दो, अब चाहे बच्चे को भूख लगे चाहे मत लगे, उनको खिलाने से मतलब, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इस समय इतना खिलाना है, ठीक है ना, एज ग्रुप टाइम डाइट सब लिखा रहता है, चार्ट आता है पूरा, तो पेरेंट्स ये नहीं देखते कि बच्चे को भूख लगी है या नहीं लगी, उनका टारगेट क्या है कि ये खिलाने का टाइम ये वक्त है, तो उसी समय उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, अब इससे आगे भी आएगा पैराग्राफ में, इससे क्या होता है, हमारे जो खुद के सिग्नल्स होते हैं बॉडी के, वो वीक होते चले जाते हैं और एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, जबकि हमारी बॉडी खुद हमें सिग्नल देती है कि आप हमें खाना है, जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको हम फॉलो करें। मैंने कहा भूख पेट में नहीं लगती कभी, भूख दिमाग में लगती है हमेशा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ खाने की ज़रूरत है तो यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे पेट में,
वहाँ हार्मोन जनरेट होंगे, हार्मोन जो जनरेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिर डाइट लेनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको खाना होता है। यदि आप ये देख रहे हैं कि नहीं मेरा खाने का टाइम 2 बजे का या 1 बजे का, तो मुझे खा लेना भली भूख हो या नहीं हो, तो आपके सिग्नल्स हमेशा ख़त्म हो जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे और एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं क्या करते हैं, इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, तो वो अनदेखा करते चलते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो अनदेखा कर देते हैं, फिर इग्नोर कर देते हैं इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, जो महत्वपूर्ण शरीर के जो सिग्नल्स होते हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं, अनटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये सिग्नल्स हैं, ये जो सिग्नल्स होते हैं बिकम वीक, ये पूरी तरीके से क्या नहीं हो जाते, कमज़ोर नहीं पड़ जाते, एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और इसके बाद ये जो सिग्नल्स हैं ये असफल हो जाते हैं टू स्टिमुलेट नॉर्मली, जो साधारण रूप से जो स्टिमुलेट जो होते हैं, साधारण रूप से जो उत्सर्जित होते हैं वो होना बंद हो जाते हैं, उस आना बंद उनका हो जाता है। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का होता है उत्सर्जित होना, स्टिमुलेट होना, ठीक है ना, उत्सर्जित यानी कोई भी सिग्नल्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, सब बंद होते चले जाते हैं। तो फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और सिग्नल्स वीक होते चले जाते हैं और नॉर्मली जो इनको स्टिमुलेट होना चाहिए, उत्सर्जित होना चाहिए, वो होना बंद हो जाते हैं। पीपल देन आइदर ईट फार टू, पीपल लोग देन उसके बाद आइदर ईट फार टू, या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, फार टू मच बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और टू लिटिल या फिर बहुत कम खाते हैं, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसा कि होता भी है, किसमें होता है, एज इन द केस ऑफ, किनकी स्थिति होती है ऐसी, सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जो युवा, जो फिगर कॉन्शियस, जो अपने शरीर को देख रेख करने वाली, जो शरीर अपनी फिगर के प्रति जो जागरूक लड़कियां होती हैं, वो ऐसा करती भी हैं, वो कम खाती हैं बहुत, उनको ऐसा लगता है ज़्यादा खा लेंगे तो शरीर हमारा बेकार हो जाएगा, हमारा जो फिगर कॉन्शियस होती हैं स्पेशली इसमें अंडर कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है, आप लाइन को देखें, यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जो युवा लड़कियाँ होती हैं, जो फिगर कॉन्शियस होती हैं, जो अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर होती हैं, जागरूक होती हैं, वो लड़कियाँ विशेष रूप से बहुत कम खाती हैं, ठीक है ना, जिससे उनको लगता है कि हम मोटे नहीं हो जाएं, हम हमारे ऊपर ओबेसिटी शुरू नहीं हो जाए, मोटापा शुरू नहीं हो जाए हमारा, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हिसाब से, बहुत लिमिटेड और हिसाब से खाती हैं, एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड, और इस वजह से वो असफल हो जाती हैं टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड, जो उचित मात्रा में जो उनको खाना खाना चाहिए, रिक्वायर्ड बाई द बॉडी, जो शरीर के लिए ज़रूरी है उसको खाने में वो पूरी तरीके से असफल हो जाती हैं, जो प्रेसाइज अमाउंट, सही मात्रा में जो भोजन उनकी बॉडी को ज़रूरत थी, उस बॉडी के लिए वो उतना भोजन नहीं दे पाती हैं, और वो उनकी बॉडी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको क्या है, वो फिगर कॉन्शियस है, उनको लगता है इतना ही खाएंगे जितनी ज़रूरत है, और कभी कभार ज़रूरत वाली मात्रा भी वो नहीं ले पाती हैं, और कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। हाउएवर इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड्स, जो भी हो यदि हम बदल लें अवर एटीट्यूड्स, यदि हम अपनी सोच को बदलें, एंड लर्न टू ट्रस्ट अवर ओन बॉडी इंस्टिंक्ट सिग्नल्स, और यदि हम ये सीख लें टू ट्रस्ट, यदि हम भरोसा करना सीख लें अवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हमारे खुद के बॉडी के जो सिग्नल्स हैं यदि उन पर हम भरोसा करना सीख लें, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से भरोसा करना सीख लें, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, तो हम क्या करें, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, तो हम प्राप्त ले सकते हैं प्रॉपर नरिशमेंट, जो उचित पोषण ले सकते हैं इन द करेक्ट अमाउंट, वो भी किसमें, सही मात्रा में उचित हम पोषण प्राप्त कर सकते हैं, एंड दस एन्जॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार से हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। यदि हम क्या करें यदि हम भरोसा करना सीख लें अवर ओन बॉडी सिग्नल्स, अंडरलाइन कर लें इस लाइन को, ओन बॉडी सिग्नल्स को अंडरलाइन करें, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से करना पड़ेगा आपको, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, तो हम जो उचित जो नरिशमेंट है, उचित पोषक जो तत्व हैं, पोषण है, उसको हम ले सकते हैं इन द करेक्ट अमाउंट्स, सही मात्रा में उचित मात्रा में ले सकते हैं, एंड दस और इस प्रकार से एन्जॉय गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आगे चलते हैं, देखिए जरा एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें और जिम्मेदारियां, इच्छाएं या उम्मीदें, मैंने कहा था आपसे कुछ लोग आशा होप, कुछ एक्सपेक्टेशन, कह
कहते हैं ना, बस समझाया था मैंने। तो एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं, आशाएं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां। बाई इंस्टिंक्ट, सहज प्रवृत्ति होने के कारण, सहज प्रवृत्ति होती है, ह्यूमन नेचर है। मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, अधिकतर माता पिता लव एंड केयर, प्यार भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की अधिकतर। ये तो देखिए प्रकृति का सिस्टम है, अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, देखभाल भी उनकी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, जो ह्यूमन नेचर है वो है। यस वेरी ऑफन, हाँ अधिकतर क्या होता है, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशन, उनकी इच्छाएँ, उनकी महत्वाकांक्षाएँ पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल देती हैं। बच्चों से वो इतनी ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं, इतनी ज़्यादा इच्छाएँ अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, जिसका बहुत ज़्यादा दबाव बच्चों पर पड़ना शुरू हो जाता है। When children cannot reach the level of their parents' ambition, जब बच्चे cannot reach, नहीं पहुँच पाते हैं the level, स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं, किस तक, of their parents' ambition, अपने माता पिता की जो इच्छाएँ हैं, महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनके स्तर तक जब बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, they can suffer from tremendous frustration, तो वो पीड़ित हो जाते हैं। किससे पीड़ित हो सकते हैं, किससे पीड़ित हो सकते हैं वो, tremendous frustration, बहुत ज़बरदस्त कुंठा, frustration, कुंठा, अंदर ही अंदर घुटन का, क्या उससे क्या हो सकते हैं, से पीड़ित हो सकते हैं, एंड स्ट्रेस, और थोड़ा सा तनाव भी उनके ऊपर आ सकता है। इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए हर बच्चे की खुद की क्षमता होती है, अपन मैं पहले भी इस बारे में आपसे बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, हर बच्चे के अंदर अपना अपना खुद का एक कैलिबर होता है। हर बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा IITian टॉपर नहीं हो सकता, बच्चे की खुद की क्षमताएं होती हैं, उसी को उसी के अकॉर्डिंग काम कर देना, करने देना चाहिए, जिससे कि उसको दिक्कत ना हो। एक मेंटल लेवल होता है बच्चे का, एक सिटिंग पावर होती है। हर बच्चे की बॉडी अलाउ नहीं करती कि वो 10 घंटे पढ़ ले, लेकिन पेरेंट्स एक्चुअली होड़ में कि पड़ोस का बच्चा इतना पढ़ रहा है, फलाने का बच्चा इतना पढ़ रहा है, वो टॉपर है, वो ये बन गया, वो ये बन गया, इस प्रेशर को वो अपने बच्चे के ऊपर लगातार डालते रहते हैं, और बच्चे का जो एक मेंटल लेवल है वो डाउन होता चला जाता है, और बच्चा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई बार माता पिता, आपके मम्मी पापा ने कहा बेटा पढ़ लेता, आप पढ़ लूँगा मैं, देख लूँगा अपने हिसाब से। अब ये क्या, ये फ्रस्ट्रेशन है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको अंदर से, क्योंकि इतना प्रेशर है आपके ऊपर, तो आप उस प्रेशर को फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हो गए। ये चीज़ पेरेंट्स को लगातार देखते रहना चाहिए कि बच्चा कहीं फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा, स्ट्रेस में तो नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रेस जब बहुत समय तक रहता है, देखिए एंग्जाइटी शुरू होती है स्टार्टिंग में, हल्की सी चिंता, आज भी न्यूज़पेपर में आप पढ़ें तो बड़ा अच्छा आया है, डिप्रेशन स्ट्रेस के बारे में बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। शुरुआत में चिंता से शुरुआत होती है, चिंता रहती है बच्चे को, क्या मैं ये कर लूँगा, क्या ये हो पाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जब वो एंग्जाइटी बनी रहती है तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब स्ट्रेस जब बहुत समय तक बना रहे, जो पेरेंट्स चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, फिर वो धीरे धीरे जाके हल्का सा डिप्रेशन में आना बच्चा शुरू हो जाता है। डिप्रेशन आना अपने आप में बहुत खतरनाक है, ये मैनेजेबल है, क्यूरेबल नहीं है। डिप्रेशन की इस दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी, इसको केवल मैनेज कर सकते हैं आप अपनी बात को शेयर करके। अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, रोज़ शाम को उनके साथ बैठें, बातचीत करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। और पेरेंट्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि वो सुने मेरे एक लेक्चर को, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी बच्चे पर आप अपनी इच्छाएं ना थोपें। पेरेंट्स खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, यदि वो यदि कोई लेवल नहीं अचीव कर पाए तो बच्चों से चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँचे। इस तरीके की सोच ना रखें, और इसको बच्चे के ऊपर अपनी सोच को ना थोपें, उसकी सोच के अनुसार उसको काम करने दें, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाता है। मैं आप जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझें मेरी बात को, बहुत दिक्कत हो जाती है उससे, ठीक है। आगे चल रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनना ज़रा ध्यान से। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, जब बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस में आता है, दिस में लीड, तो ये चीज़ उसको कहाँ तक ले जा सकती है, ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, वो दवाई वगैरह
पर अपना परीक्षण करना शुरू कर सकता है कि चलो ठीक है, इसके लिए दवाई ले सकते हैं अपन। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स और इससे संबंधित अलग जो व्यवहार वगैरह हैं, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। काई के लिए, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग, लाइन अंडरलाइन कर लेना और इस चीज़ को जरूर आप अपने पेरेंट्स को जरूर एक बार बताना कि ये लाइन सर ने स्पेशल अंडरलाइन कराई थी आपके लिए, आप इसको समझ लेना, इनको उनको समझाना। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चा ड्रग का शिकार हो सकता है, वो ड्रग का सहारा लेना शुरू कर सकता है, दवाइयों का सहारा लेना शुरू कर सकता है, अदर तरीके के ड्रग्स भी आते हैं। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स और इससे संबंधित और भी जो व्यवहार संबंधी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग, किस लिए वो करेगा बच्चा, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग, जिससे कि वो अवॉइड कर सके, जिससे कि वो बच सके, किससे, द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, जिससे कि वो जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति की सच्चाई से, हकीकत से वो बच सके, वो अपना बचाव कर सके। इसलिए वो किसी भी ड्रग का सहारा ले सकता है, अन्य तरीके के कई ऐसी चीज़ें होती है जिनका वो सहारा लेना शुरू कर सकता है। इसलिए प्रेशर ना बनाएं, दबाव ना बनाएं बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर, उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनको वर्क करने दें, जिससे कि वो किसी भी गलत डायरेक्शन में ना जाएं। क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो एक नशा कहते हैं ना, एक सोच बनती है बच्चे की कि हल्का सा नशा करना शुरू करें, वो वहाँ की उस तरफ डाइवर्ट होता है, फिर जब स्ट्रेस में आता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है, तो नशे की तरफ भागता है, उससे बचें। और मैं जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, यू कैन एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ टेम्परेरली नॉट परमानेंटली। आप ज़िंदगी की कठिन चुनौतियों से पलवर के लिए भाग सकते हो, परमानेंटली नहीं भाग सकते, इसलिए क्यों ना हंसकर उनको फेस कर लिया जाए। ठीक है, ये लाइन मेरी याद रखें, और यदि कभी भी प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, उसको हावी ना होने दें अपने ऊपर, उसको रिलीज करने की कोशिश करते चलें। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, शुरुआत से ही बच्चों को शुड बी अलाउड, उनको इजाज़त दे देनी चाहिए, उनको अलाउ कर देना चाहिए, टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, कि वो अपना विकास कैसे कर सकें, इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, कि वो खुद स्वाभाविक रूप से सहज, जो उनका ओन नेचुरल वे हैप्पी वे है, जो खुश रहने का जो साधारण सा तरीका है, उससे बच्चों को खुद अपने आप को डेवलप करने दें, विकसित करने दें। विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स लव, लेकिन किसके अंडर में करने दें उनको ये काम, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, जो माता पिता का जो प्यार है, प्यार भी दें आप उनको और निगाह भी रखें, प्यार भी दें और निगाह भी रखें, और उनको उनके खुश रहने के तरीके से बच्चे को खुद अपने आप विकसित होने दें। ठीक है ना, क्यों निगाह रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, निगाह भी रखें। आज COVID-19 में आपने देखा बच्चों पे मोबाइल फ़ोन रहे काफ़ी, और बच्चों ने उनका गलत यूज भी किया, पढ़ने के साथ साथ गेम वगैरह खेलना, और गेम्स के अलावा कुछ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाना, चैट वगैरह करना, ये चीज़ भी आई देखने को मिली है। इसलिए पेरेंटल कंट्रोल, यानी कि आप देखते रहें बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। तो बच्चे को उसके स्वाभाविक तरीके से, खुश तरीके से उसको आगे विकसित होने दें। विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस देते रहें प्रॉपर उनको, एंड केयर, देखभाल भी करें, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, बिना किसी ज़्यादा दबाव डालें, प्रेशर ना डालें, दबाव ना डालें, देखभाल करें, प्यार करो, सब खिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दबाव मत बनाओ। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स में हेल्प, एक परिवर्तन ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स, जो परंपरागत कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो पुरानी सोच के जो पेरेंट्स हैं उनका जो एटीट्यूड्स है, उनके जो विचारधाराएं हैं, उनमें यदि थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। तो क्या हो सकता है, मे हेल्प, इससे मदद मिल सकती है टू प्रिवेंट, रोकथाम करने में, मैनी केसेस, कई ऐसे केसेस होते हैं
ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, जिसमें जो बच्चे हैं वो ड्रग के आदि हो जाते हैं, ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं, ड्रग पर उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम, अन्य जो उनकी किशोरावस्था संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे उनको किया जा सकता है, उनकी रोकथाम की जा सकती है। कब? यदि जो पेरेंटल एटीट्यूड्स हैं वो भी कैसे, कन्वेंशनल, पुराने जमाने की पुरानी सोच के। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने समय में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि मैं ऐसे पढ़ाता, मैंने ऐसा किया था, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। उनको चेंज लाना चाहिए। वो क्या चेंज लाना है उनको, उनको चेंज ये लाना है कि प्रेजेंट में जो भी है बच्चों के लिए वो आप अवेलेबल करा रहे हैं उनके लिए, तो उनको उसी हिसाब से चलने दें। अपनी लाइफ की जो हार्ड रियलिटीज़ हैं उनको उनके ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। इसको कहते हैं हम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, जो पुरानी सोच की, जो माता पिता की जो जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं, जो कहते हैं ना पुरानी विचारधारा के लोग हैं, तो उसको बदलें ज़रा पेरेंट्स, ठीक है ना, उस एटीट्यूड को बदलें जो उनका पुराना बना हुआ है, पुरानी सोच के जो लोग हैं, और जिससे कि मदद मिल सके रोकथाम करने में, किसकी, मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। बहुत से बच्चे ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं वो रुके, एंड द अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम, अन्य जो किशोरावस्था संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे भी उनको निजात मिल सके, छुटकारा मिल सके। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें भी समझना चाहिए आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी माता पिता संबंधी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी हमें समझनी चाहिए। टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट, जो विश्व, जो पर्यावरण में जो माता पिता संबंधी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो भी हमें समझनी चाहिए। रिमेंबर देयर द लिविंग स्पेस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड, याद रखें देयर द लिविंग स्पेस, रहने का जो स्थान है ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार में रहने का जो स्थान है इज लिमिटेड, वो सीमित है। एंड वी मस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, और हमें रखना ही पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, एनफ स्पेस, पर्याप्त जगह हमें रखनी पड़ेगी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्याप्त जगह रखनी पड़ेगी, टू लिव हैप्पीली, ताकि वो अच्छी तरीके से खुशीपूर्वक रह सकें। टू अचीव दैट एम, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली वन और टू चिल्ड्रन पर कपल, और हर माता पिता को के पास दो ही संतान होनी चाहिए। वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें परिवार को सीमित रखना पड़ेगा, कहाँ तक, दो बच्चों तक सीमित रखना पड़ेगा पर कपल, हर जो भी माता पिता हैं उनको अपने परिवार में बच्चों की संख्या दो पर ही सीमित करके, फैमिली प्लानिंग करके ये काम करना पड़ेगा। बिटवीन ईच बर्थ, और एक और खास बात है, प्रत्येक बच्चे के जन्म में देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years, 3 से 4 साल का अंतर भी होना चाहिए, सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू सफिशियंट पेरेंटल लव एंड केयर, जिससे कि ताकि ईच चाइल्ड, हर बच्चा इज नॉट डिप्राइव्ड, वंचित ना रह सके ऑफ द राइट, अपने अधिकार से वंचित ना रह सके टू सफिशियंट पेरेंटल लव, पर्याप्त माता पिता का मिलने वाला जो प्यार है उससे वंचित ना रह सके, एंड केयर, और जो उसकी देखभाल होनी चाहिए उससे वंचित ना रह सके। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यदि आप ये सोच, इस तरीके की सोच रखते हैं कि दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, यदि आप इस तरीके की फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, इसका मतलब आप परिवार का भला चाह रहे हैं। एज इट हेल्प्स टू कीप विमेन हेल्दी, एज, क्योंकि इट हेल्प्स, ये चीज़ मदद करेगी टू कीप विमेन, महिलाओं को कैसा, हेल्दी, स्वस्थ रहने में मदद करेगी ये चीज़, एनफ, पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ रहने में मदद करेगी। टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, जिससे कि वो जो महिलाएं हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें, वो अपना योगदान दे सकें टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, एक खुश पारिवारिक जो वातावरण है उसमें अपना योगदान दे रखें, ठीक है, हैप्पी होम एनवायरनमेंट, हैप्पी माने खुश, मतलब जिसमें खुशी हो, होम माने घर, एनवायरनमेंट माने वातावरण, यानी खुशी से भरा हुआ जो घरेलू वातावरण है उसमें वो अपना योगदान दे सके। यदि वो देखिए, यदि घर की महिला स्वस्थ है, घर की यदि कहना चाहिए, यदि घर की लेडी सही है तो सब कुछ सही है, यदि वो बीमार है तो सब बीमार है, समझ में आ रही है ना बात, यानी कि एक
मैनेजमेंट कौन करता है पर फैमिली का? माँ करती है, ठीक है ना। यदि वो यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर परिवार अच्छी तरीके से नहीं चल सकता। ये कब संभव है कि उनको उनका जो फिजिकल हेल्थ लेवल है वो अच्छे तरीके से सही रहना चाहिए। द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो दिमाग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। जो अपना सकारात्मक स्वास्थ्य है उसकी देखरेख में हमारा दिमाग की बहुत बड़ी भूमिका है। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड, एक अच्छा स्वस्थ दिमाग विकसित करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टू लर्न कि हम सीखें टू रिलैक्स प्रॉपरली, कि हम रिलैक्स रहें, आराम में रहें बिल्कुल। एंड टू डेवलप वेज, और हम इस तरीके के रास्ते विकसित करें टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, ताकि हम दिन प्रतिदिन की जो तनाव है, जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसका सामना कर सकें। मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर है, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, दिल से संबंधित बीमारियाँ समस्याएँ हैं, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। ऐसा माना जाता है कि ये किससे संबंधित हैं, ये स्ट्रेस से संबंधित हैं। सो बाई यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसलिए आराम की प्रक्रियाएँ, आराम की तकनीकें अपना कर यू मे अवॉइड, आप बचा सकते हैं अपने आप को, किससे बचा सकते हैं, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप खुश हैं, रिलैक्स हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सोना ही सोना है। यदि आप नहीं सो रहे हैं, नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं समस्या होने वाली है। इसलिए बी केयरफुल, बी रिलैक्स एंड एन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ, ये इस पैराग्राफ का निष्कर्ष है, इस पैराग्राफ का कंक्लूजन है। हाउएवर इवन वैन वी एन्जॉय गुड हेल्थ, हालांकि यहाँ इवन वैन वी एन्जॉय गुड हेल्थ, यहाँ तक कि जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिजीज़ में आकर तो बीमारियाँ तो हो भी सकती हैं, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए भी बीमारियाँ हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क, प्रत्येक व्यक्ति जोखिम में रहता है, और बिकमिंग सिक, बीमार रहने का जोखिम हर व्यक्ति के ऊपर रहता है, और इंजर्ड या चोटिल होने का जोखिम हर व्यक्ति के ऊपर रहता है, अबाउट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार ऑन एवरेज, औसतन साल में 2 बार व्यक्ति बीमार भी हो सकता है और घायल भी हो सकता है, चोटिल भी हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामना करें विद एनी सिकनेस और इंजरी, किसी भी बीमारी का, किसी भी चोट का हम सामना करें इन अ रियलिस्टिक, यथार्थवादी तरीके से, एंड इंटेलिजेंट वे, और समझदारीपूर्ण तरीके से उसका हम सामना करें, विदाउट पैनिक, बिना घबराए हुए, पैनिक बिना घबराए हुए, पैनिक घबराना। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प, शरीर का जो ज्ञान है शुड हेल्प, वो मदद कर सकता है यू तुम्हारी टू मैनेज एट इमरजेंसी सिचुएशन, कि जो आपातकालीन यदि स्थिति आती है तो उसमें वो आपकी मदद कर सकता है, पूरी तरीके से प्रबंध कर सकता है, काय का किस चीज़ का मैनेज करने का, यानी कि कोई भी सिचुएशन आई है इमरजेंसी, उसमें आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बिफोर कॉन्टेक्टिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर से संपर्क करने से पहले आप किसी भी इमरजेंसी जो सिचुएशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, काय के लिए रिपीट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कीजिए, नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू, शरीर का ज्ञान यदि आपको है शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टेक्टिंग अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट वेन नेसेसरी, यानी जब कभी भी आपको डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता पड़े और आपको अपने शरीर का ज्ञान है तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप उस स्थिति का सामना कर सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क करने से पहले या कोई भी सलाह लेने से पहले। एनी मेडिकेशंस और ड्रग सच एज एंटीबायोटिक्स, कोई भी औषधियाँ, किसी प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं या ड्रग्स होते हैं सच एज एंटीबायोटिक्स, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या फिर मजबूत दर्द निवारक दवाएँ हों, नीड टू बी मॉनिटर्ड, उनको पूरी तरीके से उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर्ड बाई अ डॉक्टर, उनको पूरी तरीके से देखना चाहिए, किसको, डॉक्टर को देखना चाहिए और अदर क्वालिफाइड पर्सन, और यदि और दूसरा जो शिक्षित व्यक्ति है उसको भी इसको देख लेना चाहिए, इन द हेल्थ प्रोफेशन, जो व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ हो, जो स्वास्थ्य संबंधी पेशे से जुड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति को इन सब दवाइयों को देख लेना चाहिए, जिससे कि हम
एंटीबायोटिक्स गलत ना ले लें। पेन किलर्स से मैं आपको बता दूं, पेन किलर जो होती है वो सीधा जो अपनी हमारी जो किडनी होती है किडनी को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, अब आप पेन किलर्स ले रहे हैं तो किडनियों में दिक्कत हो जाएगी आपकी, लिवर में दिक्कत हो सकती है, इंटेस्टाइन में दिक्कत हो सकती है, इंटेस्टाइन भी वाइटल रोल प्ले करती हैं बॉडी के अंदर। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देखें, समझें इस पैराग्राफ को वो क्या कहना चाह रहा है। फाइनली मैं आपको एक बात बता दूँ, निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई हो तो आप खुद ही अपने लेवल पे उसको सही कर लें, ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कीजिए कि छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आप दवाई खाना शुरू कर दें। इसके अलावा हम अपनी बॉडी के बारे में खुद बहुत अच्छा जानते हैं और हम अपनी बॉडी को खुद अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली हम मैनेज कर सकते हैं। अपनी इंस्टिंक्ट्स को समझें, सहज ज्ञान को समझें, सहज प्रवृत्ति को समझें और बॉडी के बारे में अपनी नॉलेज को अपडेट रखें, जिससे कि हम हेल्दी रह सकें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी लाइन में दिक्कत हो, किसी भी वर्ड मीनिंग में दिक्कत हो, ज़्यादा हार्ड है नहीं, मैंने आपको रिपीट कर दिए दो दो तीन तीन बार उनके जो अर्थ हैं। अब आपका काम ये है कि आप उसको प्रॉपरली पढ़ें, समझें और इसको अपनी पर्सनल लाइफ में इसको एसिमुलेट करते हुए सामने वाले को भी अवेयर करें कि हमें अपनी बॉडी किस तरीके से हेल्दी रखनी है। इसी के साथ ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको समझ लें, पढ़ लें। COVID-19 में घर पर रहें, जितनी भी जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करें, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।